স্বাগতম সবাইকে বিচারেশনে। আমরা চলে এলাম আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আরেকটি ভিডিও দেখার জন্য আজকে। আর আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি টাটার একটি ভিডিও। আমরা শুনেছি টাটা একটা অনেক সুন্দর বাস রাস্তায় নিয়ে আসছে, আর সেই বাসটির জন্য রিভিউ করেছে একজন, এবং সেই রিভিউর ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে টাটা স্টার বাস ইভি ফুল ইলেকট্রিক বাস অ্যান্ড রেঞ্জ ফিচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র্স, মানে এই বিষয়গুলো আসলে এটার মধ্যে থাকবে। হ্যাঁ, এবং টাটা স্টার বাস ইভি রিভিউ। তো এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি পাওয়ার রেসার থেকে। ওনার অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की टाटा अल्ट्रा अर्बन इलेक्ट्रिक बस के बारे में, जो कि अभी आपके सामने है, या फिर आप इसे कह सकते हैं टाटा स्टार बस ईवी। टाटा मोटर्स इसे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का बनाया है, तो डिज़ाइन में सब कुछ आपको कवर कर दूंगा। फीचर कितने हैं, कितनी पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर है, चार्जिंग का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा मोटर्स इसके लिए प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करें, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक बस है, तो इसमें आपको मिलती है परमानेंट मैग्नेट एसी ट्रैक्शन मोटर, जिसकी पावर है 145 किलोवाट की। 194 बीएचपी की पावर बनाती है ये इलेक्ट्रिक मोटर। इसकी जो टॉप स्पीड आपको मिलेगी वो मिलेगी 75 kmph की, यानी कि 75 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है। इस व्हीकल की जो ग्रेडेबिलिटी है वो है 17% की, एक तरीके से अच्छी है। अगर आप इसे फ्लाईओवर्स में ले जाते हैं तो वहाँ भी कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। इसमें जो आपको रेंज मिलती है वो 151 किलोमीटर की इसमें रेंज मिल जाती है, तो ये करीब 6 से 7 घंटा आपका लेती है फुल चार्ज होने में। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके इंटीरियर्स की ओर। ओआवीएम अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े आपको उसमें ओआवीएम दिए गए। सेंटर में अगर आप देखेंगे यहाँ आपको बहुत प्यारा सा टाटा मोटर्स का लोगो मिलेगा, जो कि इसको एक प्रीमियम फील देता है। टाटा मोटर्स की आपको क्रोम में ब्रांडिंग मिलेगी, और फ्रंट की क्रोम स्ट्रिप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिए गए इसके फुल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये कुछ आपके इसमें ज़ेनॉन हेडलैम्प्स दिए गए, ईवी मेंशनड है आपके लिए। और ये इसके कुछ टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, और एक तरीके से बहुत बढ़िया लग्जरी प्रोडक्ट है। एक आपको एलईडी डिस्प्ले फ्रंट में मिलती है। अब हम चलते हैं इंटीरियर्स की ओर, और ये है इसके कुछ फुटबोर्ड। क्योंकि इसमें आपको एयर सस्पेंशन मिलते हैं, इसीलिए इसकी जो ऊंचाई है ये कम ज़्यादा की जा सकती है। ये है इसका कुछ डैशबोर्ड, जो कि टाटा मोटर्स ने अच्छी क्वालिटी का इसमें पूरा आपको प्लास्टिक दिया गया है, एक फाइन टेक्सचर्ड प्लास्टिक आप इसमें देख सकते हैं। एक आपको मॉनिटर यहाँ पे मिलता है, एक फ़ैन प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप स्टेयरिंग की बात करें तो ये है इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको सारी डिटेल देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं इसकी पूरी बैटरी का कितना परसेंटेज है, टॉप स्पीड देख पा रहे हैं आप इसकी 160 kmph है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड को लिमिट किया गया है। ये कुछ आप देख रहे हैं इसके ब्रेक्स का प्रेशर, 10 bar का प्रेशर यहाँ दिखा रहा है, और ये आप टेम्परेचर और बैटरी का फ्यूल गेज आप देख सकते हैं। ये सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, SOS का यहाँ पर दिया गया है, कुछ कंट्रोल्स यहाँ दिए गए, स्टीयरिंग में बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। मैं अगर आपको ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये कुछ इसकी ड्राइवर की सीट है, इसमें भी आपको अच्छा एक तरीके से कंफर्टेबल दिया गया है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर इसमें प्रोवाइड किया गया है। ये देख सकते हैं आप ब्रेक्स को, पार्किंग ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस इसमें प्रोवाइड की गई है। एक तरीके से अगर आप इसके ड्राइवर विंडो की बात करें तो बहुत अच्छी व्यू में देख पा रहा हूँ। सेफ्टी के लिए आपको इसमें CCTV कैमरा दिया गया है, और एक LED आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, जिससे आपको पता चले कि क्या आपका स्टेशन आने वाला है क्या है। एक देखिए आपको पूरी साइड में पूरी एम्बियंट लाइटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छे डिफ्यूज़र के साथ मिलती है, यानी कि बहुत अच्छा एक आपको इन्वायरमेंट अंदर ये देने वाली है। आपको देखिए CCTV कैमरा पूरा मिलने वाला है, जो कि सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के बनाए गए हैं। मैंने आपसे कहा कि इसमें 22 लोग खड़ा होकर जा सकते हैं, तो देखिए उनके लिए अच्छी क्वालिटी के ग्रैब हैंडल्स में देख पा रहा हूँ, क्रोम पाइपिंग मिलती है। अगर हम सीट्स के लिए स्टार्ट करें तो यहाँ से इसकी सीटें स्टार्ट होती है, रेगजीन्स की आपको पूरी सीट मिलेगी, ये आप इसके आर्मरेस्ट को देख सकते हैं। और ये इसका पूरा सीटिंग का लेआउट है, काफ़ी अच्छा देखिए आपको पूरा सीटिंग का स्पेस मिलता है, सीट बेल्ट आपको इसमें दी गई है। मतलब प्राउड टू बी एन इंडियन की आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी दी जा रही है। और जो इसकी रेंज मैंने आपको बताई 141 किलोमीटर इसकी रेंज है। और सीट्स अगर आप देखेंगे, ये है इसकी सीट्स, यहाँ भी देखेंगे प्रॉपर आपको इसमें सीटिंग प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आपको कुछ सीढ़ियाँ दी गई है स्टेयर के पीछे जाते हैं, अगर समस्या होता है मानस उठाना। सबसे पीछे वाली सीट में भी देखिए आप, जो आप CCTV कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर के प्लेसमेंट को,
और ये कुछ आपको इसमें एसी के पूरे वेंट्स मिलते हैं, और जो कलर ऑप्शन इन्होंने यूज करा इसके लिए बिल्कुल ब्लू, ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आप बताइए आपको कैसी लगी टाटा मोटर्स की स्टार बस ईवी। तो इस गाड़ी का जो ओवरऑल वजन है वो है 16,200 kg का। इस गाड़ी की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 40 पैसेंजर्स की, जिसमें एक ड्राइवर है एडिशनल। अगर आप इस गाड़ी की स्टैंडिंग की बात करें तो 22 लोग इस गाड़ी में खड़े होकर जा सकते हैं। जो इसमें आपको सस्पेंशन मिलेंगे रियर में वो है इसके एयर सस्पेंशन। तो इसमें आपको 22 इंच के रेडियल टायर मिलते हैं जिनका साइज है 295, जो कि बहुत अच्छी ट्रैक्शन विड्थ है। इसका जो सेक्शन है वो है 80 और रेडियल 22.5 का टायर आपको इसमें मिलता है। तो जो इसकी लेंथ है वो है 12 मीटर की। स्टार बस ईवी का जो व्हील बेस है वो है 6,200 mm का, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 357 mm का। ये देखिए इसका चार्जिंग स्टेशन, जिसमें आपको मिलता है एक चार्जर जो कि अच्छे खासे टाइम में आपको दे देगा 140 km की पूरी रेंज। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए ये इसके चार्जिंग के पूरे पिंस, 5 पिनें इसमें दी गई है, और ये है इसका कुछ ये टाटा की ईवी की ब्रांडिंग ट्राई एरो डिज़ाइन आपको इसमें मिलने वाला है, और ये कुछ पूरा इसका लेआउट है। देखिए अगर आप अपनी नेक्सॉन और ये कुछ है तो उसके लिए भी यही पूरा चार्जिंग सेटअप यूज़ किया जाएगा, ऐसा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। ये कुछ था मेरी तरफ से इसका एक रिव्यू चार्जिंग की, और अगर आपको पसंद आया हो तो बताइए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। অনেক সুন্দর একটা বাস নিয়ে আসছে টাটা, টাটা ইভি বলা মানে বাসটার যে নামটা দেওয়া হয়েছে আর কি, অনেক অনেক সুন্দর, আর ভেতরটা কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সিসিটিভি দেওয়া আছে, যে কারণে তোমার কিন্তু সিকিউরিটির একটা ভালো ব্যবস্থা আছে। আর যেটা স্ক্রিনটা দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সবাই দেখতে পাবে যে কত দূর কোন স্টেশনে আছে, এই যে ব্যবস্থাটা এটা কিন্তু আসলে অনেক ভালো করেছে আমার কাছে। হ্যাঁ, নরমালি তো বাসে এই ধরনের নরমাল অপশনগুলো থাকে না, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এদিককার বাসে এরকম থাকে না, অন্য অনেক জায়গার বাসে হয়তো এই ধরনের অপশন থাকতে পারে। আর ইলেকট্রিক বাস বলতে আমাদের এই এশিয়ান এই কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু ইলেকট্রিক বাস নাই, খুব বেশি মানে কি নাই। টাটাই আসলে শুরু করতে যাচ্ছে টাটা ইভি দিয়ে, এবং এটা স্টার বাস, সেজন্য তারা নাম দিয়েছে এটা। এবং বাসের যে প্রাইস এবং যে স্পিডের যে গতি 75 km, সেটা কিন্তু আসলে অনেক গতি বলা চলে। হ্যাঁ, আর এটা সিটির মধ্যে চললেই মনে হয় ভালো হবে, আর লং ডিস্টেন্সে যেতে পারবে, 140 km যেহেতু আসলে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারবে। অবশ্যই যখন তারা এটা তৈরি করেছে এর উপরে অনেক রিসার্চ করবে, আরো অনেক আপডেটেড আপগ্রেডেড জিনিসপত্র আসবে আমার কাছে মনে হয় দিনকে দিন, তখন যখন এটা আরো উন্নত হবে তা অবশ্যই তখন বিভিন্ন শহর এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে পারবে আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, তখন স্পিডও বাড়বে, চার্জিং ক্যাপাসিটি বাড়বে, হয়তোবা দেখা যাবে তখন 140 km যে দূরত্বটা ক্রস করতে পারবে এখন এক চার্জিং এ, সেটা হয়তোবা তখন 200 ক্রস করতে পারে। হ্যাঁ, এরকমই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ওভারঅল একটা সুন্দর জিনিস আসতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবং ইন্টেরিয়ার যে ভিতরে ছিল সেটাগুলো অনেক সুন্দর ছিল, চেয়ারের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু নর্মাল বাসের মতো না, এবং সিটগুলো সহজে যে নষ্ট হবে ছিঁড়ে যাবে এরকম না, সেই জন্য আসলে। হ্যাঁ, এটা একটা জিনিস, আবার তুমি মনে করো যে আমরা অনেক লোক কিন্তু একসঙ্গে যেতে পারবে, কারণ 22 জন কিন্তু অটোমেটিকই দাঁড়ায় মানে দাঁড়িয়ে যেতে পারছে, তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও কিন্তু তারা মাথায় রেখেছে, কারণ আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু লোক সংখ্যা অনেক বেশি, যার কারণে সবাইকে বসিয়ে নেওয়াটা অনেক অসম্ভব ব্যাপার। তো ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে, আর বাসটি আমাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আর চার্জিং এর যে ব্যাপারটা উনি দেখাচ্ছিল সেটা কিন্তু বাসে কোথায় কিভাবে চার্জ দিবে এটা কিন্তু বলেনি, আর নিশ্চয়ই তারা এই স্টেশনগুলো তৈরি করবে যেখানে যে বাসটা চার্জ দিতে পারবে আর কি সেটা। তো আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা ভালো উদ্যোগ হবে। হ্যাঁ, পরিবেশ রক্ষার জন্য আসলে তেল খরচ না করে যদি ইলেকট্রিক বাস এইভাবে রাস্তায় আসে তাহলে কিন্তু আমাদের পরিবেশ অনেকটা সুরক্ষিত থাকবে। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের ভালো লেগেছে, আর আমাদের ভিডিওটি যদি আজকে আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।